दोस्तों क्या खूब लिखा है किसी ने कि चींटी कभी पीछे नहीं चलती, हमेशा आगे ही चलती है। इसी प्रकार मुश्किलें दूर करके जो इंसान आगे निकलने की कोशिश करता है वही जीवन में सफल होता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। क्योंकि देखिए, एक जो चींटी रहती है, कभी भी आप जब वो चींटी चल रही हो, दीवार पे चल रही हो या फिर ज़मीन में चल रही हो, उसके सामने अगर आप अवरोध उत्पन्न करेंगे, आप अपना हाथ रखेंगे, तो वो चींटी कभी पीछे नहीं मुड़ेगी। वो आपके हाथों के बगल से होके आगे ही बढ़ती रहेगी जहां उसे जाना है, और वो कभी घबराती नहीं। तो इसी प्रकार जो इंसान अपने जीवन में मुश्किलों को ना देख के अपने सलूशन को देखते रहता है कि हमें किस प्रकार से इन मुश्किलों को दूर करके, हमें किस प्रकार से चुनौतियों को दूर करके, जिस प्रकार से चींटी हमेशा आगे की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार हमेशा हमें भी आगे बढ़ना है, ये सोच रखने वाले इंसान कभी भी जीवन में असफल नहीं होते। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि चुनौतियाँ ना आए, चुनौतियाँ आना बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जीवन में ये दौर, ये संघर्ष और ये मुश्किलें आती ही रहेंगी। बस आपको इन मुश्किलों से डटकर सामना करना पड़ेगा, आपको किस प्रकार से उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाना है ये खुद सोचना पड़ेगा। और जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, आपको इस मुश्किलों से, आपको इन चुनौतियों से कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। सलाह देने वाले कई मिल जाएंगे, मगर निकलना आपको ही पड़ेगा, लड़ना आपको ही पड़ेगा। इस वजह से जीवन में जो भी करना है उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करें और चींटी से सीखते रहें। जब भी कोई मुश्किल आए, आप अपने दिमाग में उस चींटी को याद करें कि वो चींटी जिस प्रकार से आगे बढ़ती जाती है, कितना भी अवरोध आता है, कितने भी व्यवधान आते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटती, उसके कदम हमेशा आगे की ओर चलते हैं। कभी आपने चींटी को बैक चलते हुए नहीं देखा होगा, यही वजह है कि वो हमेशा अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंचती है। बस यही चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए कि हमें आगे चलते ही रहना है, तो यकीनन आप एक दिन जहां जाना चाहते हैं वहां ज़रूर पहुंच सकते हैं। ये बातें अगर आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। ये वीडियो आपको कैसे लगा, इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक बात और, आपके जो भी दोस्त यार परिवार रिश्तेदार हैं, अगर उन तक भी कुछ अच्छा आप भेज सकते हैं, उन्हें भी एक नई सोच पैदा करवा सकते हैं, उनके जो माइंड में बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी भरी हुई है, तो इस वीडियो को ज़रूर उन तक पहुँचाएँ। हो सकता है यह एक छोटी सी वीडियो, यह एक छोटा सा माध्यम उनको लक्ष्य तक जाने में एक मदद साबित होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।